और बात करेंगे अगली खबर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में सागर के बड़तुमा में संत रविदास मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान मिटाने के लिए पाबंदियां लगाई जा रही थी, तब संत रविदास जी ने मुगलों के कालखंड में कहा था कि पराधीनता सबसे बड़ा पाप है। जो पराधीनता को स्वीकार कर लेता है, जो लड़ता नहीं है, उससे कोई प्रेम नहीं करता है। आदिवासी दलित पिछड़े वर्ग के लोगों ने राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभाई है। बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का बीड़ा हमारी सरकार ने उठाया है। एक स्टेशन का नाम टांटिया मामा के नाम पर किया गया है। आज आदिवासियों को वो सम्मान मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। मुझे विश्वास है कि संत रविदास की शिक्षाएं एकजुट करती रहेंगी। भाइयों और बहनों, संत रविदास स्मारक एवं संग्रहालय में भव्यता भी होगी और दिव्यता भी होगी। ये दिव्यता रविदास जी की उन शिक्षाओं से आएगी जिन्हें आज इस स्मारक की नींव में जोड़ा गया है, गढ़ा गया है। समरसता की भावना से ओतप्रोत 20,000 से ज्यादा गांवों की, 300 से ज्यादा नदियों की मिट्टी आज इस स्मारक का हिस्सा बनी है। एक मुट्ठी मिट्टी के साथ साथ एमपी के लाखों परिवारों ने समरसता भोज के लिए एक एक मुट्ठी अनाज भी भेजा है। इसके लिए जो 5 समरसता यात्राएं चल रही थी, आज उनका भी सागर की धरती पर समागम हुआ है। और मैं मानता हूं कि समरसता यात्राएं यहां खत्म नहीं हुई है, बल्कि यहां से सामाजिक समरसता के एक नए युग की शुरुआत हुई है। मैं इस कार्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार का अभिनंदन करता हूं, मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं।